गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्राइब अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर पीपल हेल्पिंग अदर्स मोर देन बिफोर? कि जैसे पास्ट में करते थे अब भी वैसे कर रहे हैं, अब ज्यादा कर रहे हैं. इन माई ओपिनियन पीपल आर हेल्पिंग अदर्स एज दे वर डूइंग इन द पास्ट. द प्रोमिनेंट डिफरेंस इज, बट द डिफरेंस क्या है उसमें? मेथड चेंज हो गया हेल्प करने में. हेल्प करने के पहले क्या थी, लोग वहां पे जाते थे, जिस इंसान को जरूरत होती थी तब उसके पास जाकर उसकी हेल्प करते थे. बट आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है. जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे किसी को पैसा चाहिए तो ऑनलाइन थ्रू फोन या थ्रू इंटरनेट के थ्रू हम अपना जो मनी उसको ट्रांसफर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं. कोरियर सर्विसेज कर सकते हैं, अगर हम दूर बैठे हैं, किसी दूर के इंसान को हमें मदद करनी है तो कोरियर सर्विसेज दे सकते हैं. मेडिसिन ट्रांसफर हो कर सकते हैं, क्लोथिंग या कोई ग्रोसरी वगैरह जिसकी भी उनको जरूरत है वो थ्रू कोरियर वहां पे हम भेज सकते हैं. सो द प्रोमिनेंट डिफरेंस इज दैट द पीपल यूज टू गो टू पीपल इन नीड and help them, but now with the help of technology connectivity is improved. For example, people can send money via mobile phones and use a courier services to transfer the things such as the clothing, medicines and groceries. So question number 2, who should teach children to help others, parents or teachers? Pehle to dono ki responsibility hoti hai ki parents and teacher full ध्यान दे, फोकस करे बच्चों को कैसे हेल्पिंग नेचर उनका बनाना है. तो बोथ टीचर एंड पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स. मोस्ट चिल्ड्रन जैसे कि क्या करते हैं, कॉपी करते हैं एल्डर्स की. सो एल्डर्स शुड सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर देम. देयरफॉर इफ द एल्डर हेल्प अदर्स द चिल्ड्रन विल डू द सेम थिंग. पहले तो अपने एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए. दूसरा है, टीचर्स कैन गिव देयर चिल्ड्रन टीम वर्क. क्योंकि टीम वर्क में बहुत सारी एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट होती है, दूसरों की मदद करनी पड़ती है. तो जिसको जिससे उनको मोटिवेशन मिलती है कि हम दूसरों की हेल्प करें. टीचर कैन गिव देयर चिल्ड्रन टीम वर्क विच मेक देम मोर एडजस्टेबल एंड अडेप्टेबल. इट ऑल्सो मोटिवेट देम टू हेल्प अदर्स. क्वेश्चन नंबर 3, इन वॉट प्रोफेशन डू पीपल हेल्प अदर मोर? वेल, हर एक प्रोफेशन में कोई किसी ना किसी तरीके से लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं. यहाँ पे बैंक की एग्जाम्पल दे सकते हो, टीचिंग लाइन की, मेडिसिन की या किसी और प्रोफेशन लाइन की, कि हर एक टाइम पे जो वो अपने कस्टमर की या अपने जो आने वाले अपने ऑफिस में आने वाले इंसान की वो मदद करती हैं. वेल, एवरी प्रोफेशन हैज सर्टेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दैट अलाउ एम्प्लॉयज टू हेल्प अदर्स. बट सम प्रोफेशन आर मेनली नॉन फॉर देयर, पर कुछ प्रोफेशन ऐसे है जो सिर्फ अपने हेल्पिंग नेचर की वजह से ही जाने जाती हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सच एज पुलिस, टीचिंग, मेडिकल. जो प्रोफेशन होता है वो स्पेशली जो हेल्प करता है दूसरों की वजह से वो जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर सम पीपल विलिंग टू हेल्प अदर्स? हेल्पिंग अदर मेक यू फील बेटर एंड इंक्रीज योर सेल्फ स्ट्रीम. आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है. इन शॉर्ट, इट फील गुड टू हेल्प अदर. हेल्पिंग अदर कैन कंट्रीब्यूट टू द हैप्पीनेस ऑफ दोज हु हेल्प मोर देन दोज हु रिसीव. कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन जो हमारी हेल्पिंग होती है, जो हमारी खुशी में जो कंट्रीब्यूशन है हमारा, वो ज्यादा होता है बजाय उसकी जो हेल्प रिसीव कर रहा है, कि हमें हेल्प देने में ज्यादा खुशी मिलती है. क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. अपनी जो अपने साथी की या अपने फ्रेंड के साथ एक सेंस ऑफ कनेक्शन क्रिएट हो जाता है. हेल्पिंग अदर कैन हेल्प यू मेक अ न्यू फ्रेंड्स एंड कनेक्ट विद योर कम्युनिटी. Giving them or giving help to keep things in sight means helping other, especially those who are less fortunate, means जो आपसे कम किस्मत वाले हैं, and then you and helping you to see things and feel more positive about the situation. He एक अलग नजरिया देता है हमको चीज को देखने का. अगर होता है कि हम जो हमारे पास कुछ
एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा कुछ थिंग्स है जिसकी वजह से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ क्या होता है कि हमारे में जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है एंड हमारे जो सिचुएशन को देखने का नजरिया है वो भी चेंज हो जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।